आप सुन रहे हैं चोल राजवंश, सिर्फ नमस्कार। चोल राजवंश के पांचवें एपिसोड में हमने जाना था कि 1063-64 ईस्वी में सम्राट राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और दुर्भाग्यवश उसी वर्ष उनके पुत्र राज महेंद्र की भी मृत्यु हो गई थी। सम्राट राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी थे वीर राजेंद्र, जिनका शासनकाल 1063-64 ईस्वी से 1069 ईस्वी तक रहा। चोल सम्राट वीर राजेंद्र के समय में भी चोल चालुक्य संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। चालुक्य राजा सोमेश्वर ने उनके राज्य पर पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से आक्रमण किया, पर वीर राजेंद्र की सेना ने वेंगी में चालुक्य सेना का डटकर सामना किया और आखिर में उन्हें परास्त किया। 1066 ईस्वी में वीर राजेंद्र ने पश्चिम में तुंगभद्रा के तट पर भी सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह मारा, लेकिन जल्द ही सोमेश्वर ने फिर से अपनी सेना को संगठित कर लिया और चोल शासक को कुंडल संगमम में चुनौती दे दी। जब वीर राजेंद्र अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे तो देखा कि सोमेश्वर स्वयं युद्ध करने नहीं आए, उन्होंने अपनी सेना भेज दी है। सम्राट वीर राजेंद्र की सेना ने सोमेश्वर की सेना को फिर से बुरी तरह हराया। वीर राजेंद्र ने अपनी इस विजय के बाद तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया। ऐसे ही पश्चिम चालुक्य साम्राज्य के विरुद्ध अगले सैनिक अभियान में सम्राट वीर राजेंद्र ने कंपिल नगर को जीतने के उपलक्ष्य में करडिक ग्राम में भी एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। उसके बाद के सैन्य अभियानों के चलते सम्राट वीर राजेंद्र ने वेंगी में विजयादित्य को पराजित किया। उन्होंने कृष्णा नदी पार करके कलिंग पर भी आक्रमण किया। तब पश्चिमी चालुक्यों से भी उनका भयंकर युद्ध हुआ था। 1068 ईस्वी में चालुक्य राजा सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी सोमेश्वर द्वितीय ने शासन किया, लेकिन सोमेश्वर द्वितीय के शासनकाल में भी सम्राट वीर राजेंद्र ने अपने आक्रमण बंद नहीं किए। इसी तरह से चोल चालुक्य संघर्ष चलता ही रहा, खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि सोमेश्वर द्वितीय के विरुद्ध थे, चोल सम्राट वीर राजेंद्र से जा मिले। चोल सम्राट वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य से करके पश्चिमी चालुक्यों के साथ अपने संबंधों को एक नया आयाम दिया। यही कारण था कि सम्राट वीर राजेंद्र ने विक्रमादित्य को वेंगी के दक्षिण भाग का चालुक्य राजा बना दिया था। विक्रमादित्य ने वीर राजेंद्र के अधीन रहकर शासन करना स्वीकार किया था। इसी तरह से चोल साम्राज्य का ही वर्चस्व बना रहा। उसके बाद चोल सम्राट वीर राजेंद्र ने सिंहल राजा विजयबाहु प्रथम के विरुद्ध जोरदार सैनिक अभियान चलाया। इस अभियान के चलते विजयबाहु भी परास्त हुआ। विजयबाहु को उसके बाद भागकर वातगिरी में शरण लेनी पड़ी थी। सम्राट वीर राजेंद्र कडारम अपने अधीन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने श्री विजय में कडारम को जीतने के लिए अपनी नौसेना भेजी थी। सम्राट वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। 1063-64 ईस्वी से 1069 ईस्वी तक का सम्राट विजय राजेंद्र का शासनकाल चोल राजवंश की वीरता और पराक्रम की घटनाओं से ओतप्रोत है। 1070 ईस्वी के आसपास राज केसरी सम्राट विजय राजेंद्र की मृत्यु हुई। सम्राट विजय राजेंद्र की मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य के सिंहासन पर अधिराजेंद्र आसीन हुए। राजा अधिराजेंद्र परांतक के वंशधर थे। चोल शासक अधिराजेंद्र शैव धर्म के अनुयायी थे। वे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्री रामानुज से इतना द्वेष रखते थे कि श्री रामानुज को उनके शासन काल में श्रीरंगम छोड़कर चले जाना पड़ा था। चोल सम्राट अधिराजेंद्र के शासनकाल में चारों ओर विकट विद्रोह शुरू हो गए थे। धीरे धीरे विद्रोहों ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि विद्रोहों से संघर्ष करते करते पहले ही साल में सम्राट अधिराजेंद्र की मृत्यु हो गई। यहाँ ये कहा जा सकता है कि सम्राट अधिराजेंद्र की मृत्यु के साथ ही चोल सम्राट विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश परंपरा थम गई, क्योंकि इसके बाद का चोल इतिहास चोल चालुक्य वंशीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। सम्राट अधिराजेंद्र की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए
चोल राज्य के सिंहासन पर वेंगी के चालुक्य राजा कुलोत्तुंग प्रथम को विराजमान किया गया था। इनका शासनकाल 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक रहा। कुलोत्तुंग प्रथम दरअसल चोल राजकुमारी के पुत्र थे। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में राज्य अपनी शक्ति और पराक्रम को बनाए रखने में निश्चित ही सक्षम रहा। उन्होंने दक्षिण के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ को पराजित किया था। इसका उल्लेख विल्हड़ के विक्रमांग देव रचित में देखा जा सकता है। सम्राट कुलोत्तुंग ने कलचुरी शासक यशकर्ण देव को 1075-76 ईस्वी में पराजित किया और 1100 ईस्वी में कलिंग नरेश अनंत वर्मा चोटगंग को भी पराजित किया था। विक्रम चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के पुत्र थे। वे अपने पिता की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर आसीन हुए। अगले एपिसोड में हम सम्राट विक्रम चोल और उनके बाद हुए राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में भी जानेंगे। आज बस इतना ही। चोल राजवंश पर हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बतलाइएगा। नमस्कार।